हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू हम पे रेसिपीज। आज हम बनाएंगे गार्लिक राइस। इस राइस को बनाना बहुत इजी है, आप चाहे तो इसे बचा हुआ राइस के साथ भी बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाते हैं सिंपल एंड इजी गार्लिक राइस। गार्लिक राइस बनाने के लिए पहले हम एक पैन को गर्म कर लेंगे, उसमें हम 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड करेंगे और 2 टेबलस्पून पीनट डालकर इन्हें अच्छे से रोस्ट कर लेंगे। जब ये हल्के से गोल्डन हो जाएंगे, इसमें हम 1 टीस्पून चना दाल, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून राई डालेंगे और उसमें तोड़कर 2 लाल मिर्ची ऐड करेंगे। जब सारे अच्छे से भुन जाएंगे, इसमें हम थोड़े से अनियन ऐड करेंगे और अनियन को ट्रांसलूसेंट होने तक पकाएंगे। जब ये हल्के से पक जाएंगे, इसमें हम थोड़े से करी पत्ता डालेंगे। आप चाहे तो इसे पहले भी ऐड कर सकते हो, बहुत ज़्यादा चटक कर तेल के छींटे आएंगे करके मैंने बाद में ऐड किया है। अब हम इसमें 1.5 टेबलस्पून जितना कूटा हुआ गार्लिक ऐड करेंगे। जब गार्लिक थोड़ा सा ब्राउन हो जाएगा, इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी, स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। लाल मिर्ची पाउडर आप अपने हिसाब से इसमें ऐड कर सकते हो। अब हम इसमें चावल ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने बचा हुआ चावल यूज़ किया है, आप चाहे तो कोई भी चावल यूज़ करके इसमें बना सकते हो। चावल अच्छे तरीके से मिक्स होने तक आप इसे मिला लीजिएगा। बाद में हम इसमें थोड़ा सा कूटा हुआ पीनट का पाउडर ऐड करेंगे। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून जितना पीनट पाउडर यूज़ किया है और उसी के साथ हम थोड़े से धनिया पत्ता भी डालकर अच्छे से मिला लेंगे। बस इतना ही है गार्लिक राइस, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आया है, सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसे ही नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।